done. डोंग के दुश्मनों ने सोचा था कि वो गुमनामी के समंदर में कहीं खो गया है, पर एक बार फिर लौट आया है डोंग। ये डोंग अब रेडी हो रहा है, किसी दुश्मन के बॉडीगार्ड्स को बिना नहलाए जमकर धो रहा है, अपने एग्रेशन से बता रहा है कि कोई भले ही साबित होता रहे इंडस्ट्री में टाइगर, लेकिन सही मायनों में डॉन तो कोई बॉलीवुड का बादशाह ही हो सकता है। I'm number one, darling, period. Don't say it and all. Don't give me categories. और अपनी कही हुई इस बात को एक बार फिर सही साबित कर दिया है किंग खान ने डॉन 2 के इस प्रमोशनल शूट में, जिसके ऑन लोकेशन का ये नजारा हम आपके लिए ले आए हैं। ये टेक कितना परफेक्ट था ये तय करने के लिए फरहान है ना यहाँ, लेकिन अब जब हमने इस पूरे ऑन लोकेशन नजारे को कैप्चर किया है तो आपको एक एक स्टेप के साथ दिखा देते हैं कि आखिर डॉन 2 के स्टेक के लिए किंग खान ने की कितनी मेहनत। शूट किंग खान के साथ है तो पूरी तैयारी पहले से ही होगी। इससे पहले कि किंग खान डॉन 2 के इस प्रमोशनल शूट के लिए अपना फाइट सीन शूट करने के लिए फ्लोर पर आते, सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने वाली वैभवी ने बाकी आर्टिस्ट को सारे मूवमेंट्स क्लियर करा दिए। फिर इन्हीं आर्टिस्ट में से किसी एक ने शाहरुख खान की प्रॉक्सी की। डॉन के मूवमेंट्स जब इन सभी आर्टिस्ट्स को क्लियर हो गए तो शुरू हुई इस प्रमोशनल सॉन्ग की टफ रिहर्सल, जिसका हिस्सा बने खुद शाहरुख खान। टेक वन। टेक टू। टेक थ्री। एक के बाद एक कई टेक्स होते गए। अपने लंबे बाल संभालने के लिए शाहरुख खान के सर पर हेयर क्लिप्स भी आ गए। रिहर्सल्स और इंटेंस हुई तो शाहरुख खान ने अपने बाल संभालने के लिए हेयर बैंड ही लगा दिया, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि फरहान के लिए भी उबाऊ हो गया इन रिहर्सल्स का चक्कर। अब भाई डायरेक्टर अगर प्रोड्यूसर भी हो तो उसका घोड़े पर सवार होना तो बनता ही है, लेकिन हमारे किंग खान कहाँ मानने वाले थे। SRK तब तक इस सीन को रिहर्स करते रहे जब तक उन्हें पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई। तब जाकर लिया डॉन ने अपना फाइनल मेकअप और उतर गए फ्लोर पर फाइनल टेक्स देने के लिए। डॉन भाई मानना पड़ेगा किंग खान के पेशेंस को। किसी सीन के लिए टेक्स तो छोड़िए, रिहर्सल्स के लिए इतने टेक्स दे डाले कि अच्छे से अच्छे परफेक्शनिस्ट को भी पसीना आ जाए। वैसे हमने इस शूट में नोटिस किया कि किंग खान ने जहां एक तरफ इस एक्शन सीन के लिए जमकर की मेहनत, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सेट्स पर अपने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर को भी काफी एंटरटेन किया। शाहरुख खान यहाँ बोले ही जा रहे थे। आखिर कहाँ से आती है इतनी एनर्जी इस डॉन के पास। डॉन और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।